सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप लोगों से इसी बहाने मेरी आप लोगों से मुलाकात हो गई, और ये इस अदारे के बारे में जब मुझसे इमरान ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे अपने वार्ड में ऐसे जाबाज सिपाही भी हैं जो एक अदारा इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि वहां से हमारे वार्ड को फायदा पहुंचे। मैंने सबसे पहला सवाल इमरान से यही कहा कि अदारा अगर खुलता है, क्योंकि इससे पहले आजकल तो अदारे खुलने का फैशन शुरू है, अदारे खोले जा रहे हैं लेकिन फौरन बंद भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे अपने वार्ड नंबर 20 में जो आज ये प्रोलाइफ फाउंडेशन, ये एक अदारे की जो बुनियाद आज रखी जा रही है, मैं उम्मीद करती हूँ इस अदारे के तमाम जिम्मेदार मेरे तमाम सिपाहियों से कि इस अदारे से मेरे अपने वार्ड को पूरा पूरा फायदा हासिल होना चाहिए, और यहाँ के सामाजिक काम और जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं जिससे हमारे वार्ड के तमाम लोगों को सहूलत फराहम की जा सकती है, सरकारी दरबारी काम यानी सरकारी काम, सरकारी स्कीमों का फायदा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, ये तमाम चीजों से आप लोगों को इन लोगों को आगाह कराना है। और खास करके छोटी बड़ी बीमारी जो भी लाख होती है तो उस बीमारी में हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि इस जिम्मेदारों से कि इन सब में भी आप लोग उनके मददगार साबित होंगे। और रही बात, मैंने अभी अभी सुना कि मेरे अपने वार्ड नंबर 20 के बहुत तवाफ किए जा रहे हैं, बहुत ही चक्कर लगाए जा रहे हैं, ये बंटी और बबली इनसे अपना वार्ड संभाला तो जा नहीं रहा है, वार्ड नंबर 20 में आकर अदारे और ऑफिसेज खोलने के काम शुरू है और यहाँ आकर वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुझे अपने वार्ड नंबर 20 की आवाम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि 2012 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, 2012 में जिस वक्त मेरे वार्ड नंबर 20 के लोगों ने मुझे यहाँ से चुन कर दिया, वहाँ से कामों का आगाज इस वार्ड में हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमाइन हूँ कि मैंने शहर संभाला है लेकिन वार्ड नंबर 20 को इमरान शेख ने संभाला है, और इंशाल्लाह वो आगे भी संभालेंगे अगर कोई काम रह गया हो। मैं उनसे बार बार यही पूरा रास्ता भर बातें करती आ रही थी कि और कोई काम बाकी है क्या, अपने दातार नगर है, नजमाबाद है, जितना भी अपना वार्ड नंबर 20 है, क्या क्या काम बाकी है, अगर कुछ काम रह गए हो तो उनका भी तुम देखते चलो और एस्टिमेट वगैरह बनाओ और कामों की शुरुआत करो, क्योंकि देखो हम रहे ना रहे लेकिन हमारे कामों के कारण अगर हमें लोग याद करते हैं तो ये इसके ऊपर से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मकसरत फरमा देगा। हम तो दुनिया में यकीन रखने वाले लोग है भी नहीं। अब जिन लोगों को फोटो छाप सियासत करना आती है ये वो लोगों का काम है, वो लोग करते हैं। मुझे मेरे वार्ड नंबर 20 के ऊपर पूरा भरोसा है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कभी यहाँ पर आकर या कभी मैंने आप लोगों से ये कहा कि मैंने फला काम किया या इमरान ने फला काम किया, क्योंकि आप लोगों ने जिस भरोसे से, जिस यकीन से, जिस अकीदे के साथ हम लोगों को चुन कर दिया था, हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आपके अकीदे और आपके यकीन के ऊपर हम पूरा पूरा खरा उतरे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से मुतमईन है कि हमारे वार्ड के लोग हमसे खुश हैं। मेहमान रफी सेठ जो प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, उसी के साथ इब्तदाई तकरीब के मौके पर मोहतरमा मालेगांव शहर की अवलीन खातून मेयर, इस इलाके की कॉरपोरेटर मेरी वालदा फायरा मैडम साहबा का यहाँ आना हुआ, और जैसे ही उन्होंने दातार नगर में एंट्री की
तो मेरे को बोला यार ये तो काफी सारे काम हो गए, मतलब जो रोड पे इफ्तिता है अदारे का खाली वो रोड छोड़ के बाकी सब काम हो गए अल्लाह का इस्तान है। तो उन्होंने बोला यार ये 60 पीढ़ी की हालत क्यों खराब है, तो बोला यार वो ठेकेदार की गलती थी लेकिन उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है इंशाल्लाह बारिश के अय्याम के फौरन बाद 60 पीढ़ी रोड पे एक बार वापस रिसर्फेसिंग किया जाएगा। तो रास्ते भर मतलब उनसे कामों के ताल्लुक से ही वो मेरे से बात कर रहे थे कि भाई क्या रह गया, क्या और है, क्या प्लानिंग है। और प्रोलाइफ फाउंडेशन अदारे का कयाम इस इलाके में अमल आया और मैंने जब ये प्रस्ताव लेके बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि बेटा अदारे बहुत बनते हैं लेकिन ये अदारे का महल्ले को फायदा होना चाहिए। अदारे से मौत पहिया शादी बिया दुख बीमारी सुख परेशानी में तुमने रात दिन लगना पड़ेगा क्योंकि अदारे रोज बनते हैं लेकिन इसका आवाम को फायदा हो ऐसे काम करके बताएंगे तुम। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भैया हम लोग करेंगे, तो मैं उनके साथ में रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए दौड़ भाग किया और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन बन गया और इसमें सभी नौजवान अच्छे बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको आगे जगह वगैरह का इंतजाम करके और एक इमदादी दवा खाना और यहाँ पे वोटर लिस्ट के नाम आधार कार्ड के अंदर जो दोस्ती के मसले आते वो सारी चीजों को हम ये अदारे के जरिए रशीद साहिबा। और इसी के साथ बेहतरीन खादिम कौम शेख इमरान साहब जो है इस महल्ले के लिए तामीरी काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें मजीद ज्यादा काम न देते हुए प्रोलाइफ फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने ये अहद किया है कि हम भी उनके सरपरस्ती में यहाँ के आवाम का जो है सरकारी दरबारी काम जैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना और बेवा लोगों के लिए जो फंड हुकूमत देती है उनको मजीद सहूलत देना। ये वो लोगों ने जो ये काम किया है सोसाइटी का ये बहुत अच्छा काम है। हम ये हमारे सभी की तरफ से पूरे लाइफ फाउंडेशन के तमाम मेंबरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनको बोलना चाहते हैं कि आप लोग ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम है और अगर उनको कहीं अगर किसी की जरूरत पड़ती है कोई भी काम के लिए तो हम है हमारे तायरा मैडम साहब है, इमरान शेख साहब है, शेख रजीद साहब है, तो हम इंशाल्लाह तुम्हारे साथ साना बजाना हर काम में रहेंगे।